ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी होती है ये, डिजी लॉकर आधार से लिंक होता है, स्टोर ई डॉक्यूमेंट होता है, एनी टाइम एनी वेयर एसेस किया जा सकता है, और इसका जो सिक्योर एसेस होता है यानी ये एक ई डॉक्यूमेंट है, कभी भी कहीं भी इसे यूज किया जा सकता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो सेफ होता है, और ये एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी होती है। अब ये तो हुई इसकी बारे में कुछ बातें, अब हम बनाएं कैसे, जो गांव में बच्चे रहते हैं या फिर जो लोग इस चीज को ज्यादा जानते नहीं हैं, कम ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उनको भी तो अपना सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए और अलग अलग प्रकार के बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से आपको यहाँ मिलते हैं। तो आइए एक सिंपल और साधारण और आसान भाषा में आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से आपको इसको करना होता है। सबसे पहले है क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। डिजिटल लॉकर इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। ये जो डिजिटल लॉकर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है, शेयरिंग किया जा सकता है और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट किया जा सकता है। इसकी एक लिमिटेड सी स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो 10 MB के आसपास आई थिंक होती है, वहीं पे होती है 10 MB की, तो उस तक आप इसमें ले सकते हैं। इट इज वन ऑफ द की इनिशिएटिव्स अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, यह भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर कार्यरत है और इसो इसी को डेडिकेट किया गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जुलाई 2015 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आपको कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले साइन अप विद मोबाइल, आप अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं। सिंक्रीज योर आधार नंबर, अपने आधार नंबर को सिंक्रीज कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंट फ्रॉम इश्यूअर, डॉक्यूमेंट को इश्यूअर के जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स को गेट कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट विद रिक्वेस्टर्स, जिन साथियों को आपको भेजना है, जिन एजेंसीज को, आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय रिक्वेस्टर्स, और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी किया जा सकता है, यानी आप साइन अप करें, आधार से सिंक्राइज करें, डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप लोग, इस प्रकार की एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं और आप डायरेक्ट गूगल में जाकर भी साइट से भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आप इसे साइन अप कीजिए, आपको क्रिएट करना होता है, आपको अपना आधार नंबर भरना पड़ता है। आधार नंबर भरते ही आपसे आगे की डिटेल मांगेगा, उसको भरते जाइए, आपका हो जाएगा। या फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर का ओटीपी मांगेगा, मोबाइल नंबर वही डालना जो आधार से अटैच होता है, और ओटीपी फिल करते ही आपका डिजी लॉकर तैयार होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर सारी चीजें आपको दी जा चुकी होती हैं और उसी में आपको ये चीजें मिलेंगी। जैसे आपको देख सकते हैं इसके ऊपर डिजी लॉकर का जो है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंट नेम है वाइफ आधार कार्ड किसी कैंडिडेट का, इसको आप देख सकते हैं। अपलोड डेट 25/5/2015 की है, स्टेटस है डिटेल नॉट वेरीफाइड है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, डीजी साइन देख सकते हैं, फाइल को अपलोड किया जा सकता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं होम है, माय सर्टिफिकेट कौन से आपके सर्टिफिकेट हैं, माय प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल कौन सी है, माय इश्यूअर कहा किसको मैंने इश्यू किया है, रिक्वेस्ट कहाँ से हुई है, डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, और आगे इस तरफ आप देख सकते हैं दूसरी साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है चूज फाइल देख करके, जैसे आप नॉर्मली मेल वगैरह के लिए अपलोड करते हैं, और अपलोड कर देंगे। यहाँ आप लोगों को कंप्लीट रूप से ये सारी चीजें मिल जाते हैं। लॉग आउट करना तो आप राइट कॉर्नर में आपके ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट कर दीजिए इसको, और लॉगिन करना तो सिंपल तरीके से फिर लॉगिन हो जाता है, यानी सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड योर ई आधार एंड स्टोर, या दूसरे डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, यानी सिंपल सा प्रोसेस है। आज आपके मोबाइल के साथ आपके सर्टिफिकेट चलते हैं, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकते हैं दकियानूसी टाइप, यहाँ भी कमेंट करने आ जाएंगे कि ये तो गलत है, वो है, ये उन लोगों का काम है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए हम सब काम करते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेहनत करते हैं,
सफलता पाना जिनका इरादा है, जो कंफ्यूज हो चुके हैं, उनके लिए ना कुछ बोलने की जरूरत होती है और ना हमें उनकी चिंता में पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी कैंडिडेट्स अपना ये बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट को पाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये चीजें आपके लिए आज जरूरी थी। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ देख सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मौजूद हो जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया में केवीएस हो, सी टेट हो, डीएसएस भी है, एसटेट है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, रीट, एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी, हर प्रकार का स्टडी मटेरियल बाई कोरियर घर पे पाने के लिए इस व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे मैसेज करें या फिर कॉल करें। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक मिलते हैं, ई बुक भी ले सकते हैं। जो मेहनत आप लोग सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सहयोग हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बना रहेगा। जब तक आप लोग मेहनत करते रहेंगे, हम साथ देते रहेंगे।